शंकर महादेवन की उपस्थिति में डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल ने चेंबूर में नेत्र देखभाल सुविधा का किया उद्घाटन। कंपनी महाराष्ट्र में अब 20 नेत्र अस्पतालों को संचालित कर रही है और मुंबई में उनका 10वां अस्पताल खुला है। अगले 12 से 18 महीनों में मुंबई और पुणे में 10 और केंद्रों की स्थापना करने के लिए 225 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। मुंबई डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल्स ने मुंबई के चेंबूर में सिग्नेचर बिजनेस पार्क में एक अत्याधुनिक आई केयर अस्पताल खोला है। 7,500 वर्ग मीटर में फैली इस फैसिलिटी का उद्घाटन राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता गायक और संगीतकार पद्मश्री शंकर महादेवन ने डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल्स के चेयरमैन डॉक्टर अमर अग्रवाल, डॉक्टर आदिल अग्रवाल सीईओ, डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल्स और डॉक्टर नीता ए शाह प्रमुख क्लिनिकल सर्विसेज डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल्स चेंबूर की उपस्थिति में किया। आई हॉस्पिटल मुंबई में 10वां आंख का हॉस्पिटल शुरू किया है। अभी ये हमने चेंबूर में ओपन किया है विद डॉक्टर नीता शाह। पद्मश्री सिंगर शंकर महादेवन सर ने इसको इनॉग्रेट किया है। अभी तक हमारे पास महाराष्ट्र में 20 हॉस्पिटल है। जैसे मैंने बोला मुंबई में अकेला 10 हैं और टोटली हमारे पास 160 है, जिसमें 15 अफ्रीका में है। अभी हमारा मेन एम इज टू टच 300 हॉस्पिटल्स इन द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स टोटली एट मुंबई में 30 और महाराष्ट्र में टोटली अबाउट 60 हॉस्पिटल्स। अगर आप हिंदुस्तान में देखेंगे हमारे पास 1.5 टू 2 करोड़ ब्लाइंड हैं और इसमें मोतियाबिंद 55% की वजह से है। इसका इलाज हो सकता है। अगर किसी को चोट लगी है, किसी को बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और किसी को कभी कभी लेंस खुद हिलने लगता है बचपन से, इन सब का इलाज भी है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं ग्लूड IOL। मतलब हम गोंद के साथ लेंस को अंदर चिपका सकते हैं। अगर हम नॉर्मल फेविकॉल ले, ये हम कहते हैं सिंथेटिक ग्लू। मतलब अगर आप दो पेपर ले चिपकाएंगे उसको हम ग्लू कहते हैं। बट ये ग्लू हम आंख में नहीं लगा सकते हैं, तो हम आंख में जो ग्लू लगाते हैं खून से बना है, इसीलिए वो नेचुरल है, सेफ है और कोई रिएक्शन नहीं होता और परमानेंट होता है। इसको हम कहते हैं ग्लूड IOL। दूसरी बड़ी तरकीब है PDEK, PDEC बोलते हैं। जैसे हम आंख को बदलते हैं पूरे कॉर्निया को, इसमें सर सिर्फ 25 माइक्रोन मतलब एक हेयर के थिन जैसे टिश्यू लेते हैं और जो आदमी मरा हुआ है उससे लेकर के किसी जिंदे आदमी में डाल देते हैं, जिसको दिखता नहीं है बिकॉज ऑफ कॉर्नियल डैमेज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक नई तरकीब निकाली है जिसको हम कहते हैं पिन होल सर्जरी। अगर आप देखें किसी के सामने फ्रंट कॉर्निया खराब हो और दिखे नहीं, तो हम क्या करते हैं, हम लोग पूरी आई को एक पिन होल की तरह बनाते हैं। जो आप लोग टीवी देख रहे हैं यहाँ पर मेरे सामने, अगर आपने हाथ को ऐसे रखा पिन होल की तरह सामने देखेंगे तो आपको दिखने लगेगा। हमारा मतलब ये है अगर ये पिन होल सर्जरी करवा सकता है कोई, तो हमें ट्रांसप्लांट की भी कभी कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो ऑल दीज इनोवेशंस जो नई तरकीब है, द आइडिया इज टू टेक हेल्थ केयर एंड आई केयर टू द नेक्स्ट लेवल। सो ऑल इन ऑल जस्ट टू एंड, अग्रवाल आई हॉस्पिटल में अभी हमारा 10वां हॉस्पिटल खुला है मुंबई में और 20वां हॉस्पिटल महाराष्ट्र में, एंड हमारा टारगेट एम इज टू टच 300 हॉस्पिटल्स इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स इन टोटली इंडिया एंड अफ्रीका। गुड क्वेश्चन, अभी बोलता हूँ। एक चीज बोलता हूँ सबको, कोविड ने हमको बहुत परेशानी दी बट उससे लेसन भी मिला सबको। सबसे पहले हमें समझना चाहिए हेल्थ केयर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपके पास कुछ भी हो, हेल्थ नहीं है तो कुछ नहीं है। सेकेंड प्रॉब्लम इज
कोविड की वजह से हम लोग सब घर में बैठे थे, हम लोग क्या कर रहे हैं, फोन देख रहे हैं, या तो गेम प्ले कर रहे हैं या कोई पिक्चर देख रहे हैं, और ये ट्रेंड बन गया है। अगर आप अपने बच्चों को देखेंगे 24 आवर्स इधर आईपैड में है और आईफोन में है या टीवी के सामने है। इससे क्या होता है, जब कोई आदमी देखता है, इसको हम कहते हैं कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। जब हम सामने देखते हैं टीवी को 24 आवर्स कंटिन्यूसली, तो ऐसे देख रहे हैं, मतलब हमारी जो आँख है ब्लिंक नहीं करती। देखिए नॉर्मली किसी की आँख ब्लिंक करना चाहिए, आँख बंद करके खुलना चाहिए। क्यों? आँख में पानी आता है, यहाँ से ऐसे जाता है नाक की तरफ, गले में जाता है। ये नॉर्मल है, सबके लिए हो रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा है। वाइल आई एम टॉकिंग टू यू, वाइल यू आर वॉचिंग मी हो रहा है, ओके? जब किसी की आँख बंद ही नहीं होती है, तो ये फ्लूइड विल नॉट मूव फ्रॉम वन साइड टू द नोज साइड। जब ये नहीं चलता है तो आँख ड्राई हो जाता है, और जब ड्राई होता है तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली इरिटेशन होता है, हेडेक हो जाएगा। सो क्या होता है, जब ये लोग कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं टीवी में, कंप्यूटर में, आईपैड में, ये स्ट्रेन होता है। इसका मतलब नहीं कि हम कंप्यूटर बंद करें, नहीं, हम भी करते हैं। मेरा मतलब सिंपल है, 45 मिनट्स के लिए आप काम करिए, पढ़िए, फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। सिंपल ट्रिक सबको बोलता हूँ, ऐसे हाथ रखिए, इसको कप करिए, इसको कप करिए, इसको हम कहते हैं पामिंग। यहाँ पर एक पिलो रख लीजिए, हाथ में रख करके बंद करिए, ब्लैंक योरसेल्फ। किसी पर आप बिलीव करते हैं बिलीव कर सकते हैं, बट कूल डाउन। 5 मिनट के बाद योर आईज विल गेट रेस्टेड, अगेन स्टार्ट योर वर्क। एंड दिस गोज फॉर ऑल द जर्नलिस्ट ऑल्सो, इफ यू डू इट, बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली ऑन लाइट। आप लोग लाइट के सामने हैं, दो आप पीछे हैं, बट कई बार आप सामने भी होते हैं, तो आप लोगों को भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? सुबह उठने से स्टार्ट होता है जनरली, बहुत सारे लोग सबसे पहले मोबाइल ही देते हैं हाथ में, कॉफ़ी पीते हैं, ना कुछ योगा करते हैं, ना एक्सरसाइज करते हैं, ना रेस्ट करते हैं। जो आपने पूछा उसमें मैं एक चीज़ ऐड कर रही हूँ कि कोविड में सबको घर से काम करना था, तो जो पहले ऑफिस में काम करके आके घर पे रिलैक्स करते थे, ये तो घर पे ही काम चलता है, तो मोर लेस पूरा दिन स्क्रीन पे रहता था, बाहर नहीं जा पाते थे, इसीलिए भी वो स्क्रीन पे रहते थे। तो अब वो पीरियड से निकल के आउटडोर एक्टिविटी में वापस जाना, बिजी होना, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेना, योगा एक्सरसाइज में इंटरेस्ट लेना, उनके लिए एक हमें पुश देना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो उनको वो आदत पड़ गई है कि जो भी हुआ उठा के स्क्रीन लो और पूरा दिन निकल जाता है। सो एक हमारी लाइफस्टाइल को वापस दोबारा चेंज होने की ज़रूरत है आज के दिन में। तो हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों के दरवाजे किसी के लिए भी खुले हुए हैं। हम लोग हर दिन चेन्नई में फॉर एग्जांपल 40 से 50 केस हर दिन फ्री इलाज करते हैं, और ये फिलॉसफी हमने हमेशा रखा है, किसी को भी कुछ प्रॉब्लम हो बिना पैसे के भी वॉक इन कर सकते हैं हॉस्पिटल में। ऑल इन ऑल आवर आइडिया इज टू टेक हेल्थ केयर एंड आई केयर टू द नेक्स्ट लेवल। इसके लिए हम इतने हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं विद टॉप पीपल लाइक डॉक्टर नीता शाह, डॉक्टर नटराजन जो मेरे बाजू में हैं, हु आर लीडिंग आई डॉक्टर्स इन मुंबई, एंड दैट इज द एम। सो टू एंड इट, रिमेंबर वन थिंग, राइट नाउ टुडे हमने अपना 10वां हॉस्पिटल खोला है मुंबई में अलोन, एंड 20th हॉस्पिटल इन महाराष्ट्र। जैसे आपने पहले कहा था कि कई तकलीफ होने में वास्ते में रहता हूँ, मैं रहता हूँ कांदीवली में, मुझे यहाँ 2 घंटे जाएंगे, तो उसके लिए आपने क्या सेंटर करें, वहाँ सेंटर कैसे करें? तो क्या करना चाहिए, सिंपल, अगर कोई वाशी में रहता है और हमारा हॉस्पिटल एक ही है चेंबूर में, हमारा मेन एम है कि वाशी में भी होना चाहिए, इसीलिए हमने डॉक्टर वंदना जैन के साथ टाई अप किया है वाशी में, सेम वे डॉक्टर नटराजन के साथ वडाला में। देखिए बॉम्बे में ट्रैवल बहुत मुश्किल है, दिस इज अ रियलिटी, सबको मालूम है। तो अगर किसी को चोट लगी वाशी में और उनको आना पड़ेगा चेंबूर में, 1 घंटा लगेगा, तब तक आंख ही खराब हो सकती है। तो एम ये है कि अपने घर के
पास हमारा हॉस्पिटल होना चाहिए। इसीलिए हमारा मेन एम इज टू टच एटलीस्ट 60 आई हॉस्पिटल्स इन महाराष्ट्र इन द नेक्स्ट 2 years टाइम। जैसे हमने बोला 300 हॉस्पिटल हम खोल रहे हैं विद इन द नेक्स्ट 2 years। वी आर ओपनिंग 1 hospital एवरी वीक, वी आर ओपनिंग 1 hospital एवरी वीक राइट नाउ एंड दैट इज द एम विच वी आर कंटिन्यूइंग। मतलब 50 hospital एक साल में खोल रहे हैं हम लोग, सो 1 a week। द आंसर इज वेरी सिंपल, इफ यू वॉन्ट हेल्थ केयर टू गो टू द नेक्स्ट लेवल इन अ कंट्री लाइक आज जो इतना बड़ा है और पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, द आंसर इज टू ओपन मेनी सेंटर्स केटरिंग टू द लोकेशन ऑफ पीपल। ओके।